नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उनका निधन हो गया है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क का नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उम्मीदवारों की, उसमें भी शामिल किया गया था। एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारने की समाजवादी पार्टी की तैयारी थी। और इस बीच ये खबर संभल से सांसद समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क, जो सबसे उम्रदराज सांसद थे देश में, उनका निधन हो गया है 94 साल की उम्र में। मुरादाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं उबैदुर रहमान से। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे बर्क साहब, अस्पताल में भर्ती भी थे। किस समय निधन हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है उबैदुर रहमान? देखिए रुमाना, अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी जो इंतकाल की खबर है वो मुझे जो मुरादाबाद के सांसद हैं डॉक्टर एस टी हसन, उन्होंने बताई है। अभी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल से सांसद थे और मुरादाबाद के निजी अस्पताल में से जो हॉस्पिटल में पिछले काफी दिनों से एडमिट थे और मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी जो है वो इंतकाल हुआ है। पिछले दिनों उनको देखने के लिए खुद अखिलेश यादव भी आए थे और काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 94 साल की इनकी उम्र थी और समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी। इनके परिवार में बेटा है और जो इनका पोता है जियाउर रहमान बर्क, वो मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनकी एक पोती है, वो डॉक्टर है खुद, तो वही इलाके में निगरानी कर रही थी और काफी कोशिश की डॉक्टरों ने। एक बार तो थोड़ा वो ठीक भी हो गए थे लेकिन फिर अब अचानक से उनकी तबीयत जो है वो सुधार नहीं हुआ और काफी उम्र थी इसलिए कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मुरादाबाद के अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। जब पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो तब ये दिल्ली एडमिट थे लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो उसके बाद से यहीं पर इलाज चल रहा था और उनकी देख रेख की जा रही थी। लेकिन क्योंकि उम्र काफी थी और कमजोरी बहुत ज्यादा थी तो इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान इस तमाम जानकारी के लिए। तो नहीं रहे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मुरादाबाद के अस्पताल में भर्ती थे और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और आइए अब बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा चुनाव का बेहद दिलचस्प मुकाबला इस वक्त उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, उम्मीदवार 11 हैं और बीजेपी उसी ने 8वां उम्मीदवार उतार कर चुनाव मैदान में इस पूरे के पूरे यूपी से राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार जाने थे उस चुनाव को रोचक बना दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है, समाजवादी पार्टी के जो 10 विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे, मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये वो चिट्ठी जो मनोज पांडे ने अखिलेश यादव को लिखी है जिसमें मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे की बात की है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश पांडे से कि आज जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है ऐसे में पहले से ही कहा जा रहा है कि साहब 10 समाजवादी पार्टी के विधायक जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेंगे, क्रॉस वोटिंग करेंगे, उसके ऊपर ये मनोज पांडे का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे वाला पत्र, इस सबके मायने क्या निकाले और समझे जाए वीरेश? देखिए, मनोज पांडे को बहुत दिन से सम्मान पार्टी में नहीं मिल रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी मर्जी के बगैर पार्टी में लाया गया, अनाप शनाप बोला गया। देखिए, जो रायबरेली को जानता है, जो मनोज पांडे को जानता है, वो ये जानता है कि भाजपा की आंधी के बाद भी जो ब्राह्मण वोटर्स हैं रायबरेली के, वो मनोज पांडे के साथ इंटैक्ट रहे, वो जुड़े रहे, सनातन धर्म को मानने वाले इनसे जुड़े रहे। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहे। इन्होंने कई बार मैं आपको रुकूंगी वीरेश, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये आ रही है कि मनोज पांडे के घर पहुंचे हैं बीजेपी के यूपी के बड़े नेता दया शंकर सिंह। इस वक्त मनोज पांडे के घर पहुंचे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है।
दया शंकर सिंह मनोज पांडे से मुलाकात कर रहे हैं, इसके क्या मतलब निकाले जाएं? अभी मनोज पांडे ने सिर्फ मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, क्या इस चुनावी माहौल में मनोज पांडे, जो किसी समय में अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे, वो अब अखिलेश यादव को और बड़ा झटका देने की तैयारी में है क्या? समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर सीधे बीजेपी के साथ जाने की तैयारी है क्या मनोज पांडे की? हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद है। वीरेश, क्या है खबर? मनोज पांडे से दयाशंकर सिंह की ये मुलाकात, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दयाशंकर सिंह मनोज पांडे के घर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए, क्या बीजेपी जाने का रास्ता बन रहा है मनोज पांडे का? देखिए, मैं मनोज पांडे के घर पर मौजूद हूं। दयाशंकर सिंह अपने दल बल के साथ इनके घर में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मनोज पांडे और दयाशंकर सिंह की छात्र राजनीति के समय से दोस्ती है और उसी दोस्ती की कीमत अदा करने यहां आए हैं दयाशंकर सिंह। और दयाशंकर सिंह ने, सोर्सेस से खबर है कि टेलीफोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात कराई है। ये मनोज पांडे का घर है। सोर्सेस से खबर है कि मनोज पांडे के घर में दयाशंकर सिंह बैठे हुए हैं, दयाशंकर सिंह मान मनोवल कर रहे हैं। और यह भी खबर है कि दयाशंकर सिंह मनोज पांडे को लेकर अपनी गाड़ी में खुद विधानसभा जाएंगे, विधानसभा में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। और अंदर की खबर आपको बता दूं कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ सकता है, इसके भी कयास हैं। जी, मनोज पांडे के सोर्सेस से खबर है कि अगर मनोज पांडे भाजपा में जाएंगे, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, आरएलडी के जितने एमएलए, मतलब 9 एमएलए आरएलडी के, जयंत चौधरी की पार्टी के, उन सभी के सभी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। आरएलडी के 9 एमएलए हैं और सभी एमएलए ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। हम आपको सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलेंगे। अभिषेक, जिस तरीके से कल आरएलडी के विधायक अशरफ अली खान से जब आपने बात की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि साहब, पार्टी सुप्रीमो की तरफ से निर्देश है, सभी को बीजेपी के पक्ष में वोट करना है, वही हुआ है, किसी तरीके की कोई सेंधमारी नहीं हुई है। बिल्कुल, और देखिए आरएलडी के जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, यहाँ इनसे हम पूछ ही लेते हैं ये बात। आइए, आरएलडी के 9 विधायक सबने वोट कर दिया, एक तरफ अलग अलग कैंडिडेट को वोट किया गया है, 5 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे। परिचय दीजिए पहले। मैं सादाबाद हाथरस से विधायक गुड्डू चौधरी। हाथरस से विधायक हैं आरएलडी से, तो सारे वोट पड़ गए हैं बीजेपी को दे दिया है। सारे वोट आरएलडी के वोट सारे पड़ चुके हैं और सारे एनडीए कैंडिडेट को, जो एनडीए ने कैंडिडेट हमको, आपको भी क्या अप्रोच किया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से कि इधर आ जाइए, सब इधर का उधर हो रहा है इस समय? हमारे संपर्क में कोई भी समाजवादी पार्टी का नहीं था। ये हाजी गुलाम भी यहाँ मौजूद हैं, हाजी साहब वोट दे दिए बीजेपी को? नहीं, हमने एनडीए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय, बीजेपी नहीं बोलेंगे एनडीए बोलेंगे, बीजेपी को वोट नहीं दिया, एनडीए को दिया है। देखिए, उम्मीदवार तो बीजेपी का था। हमारा है गठबंधन और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने जहाँ के लिए हमें आदेशित किया, सीने पर पत्थर रख के वोट दिया है। सीने के पत्थर से क्या मतलब भाई, खुशी से वोट दिया हमारे नौ के। बीजेपी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोली बीजेपी को वोट दिया है। बोल देंगे हम, एनडीए बोल देंगे, गठबंधन को वोट दिया। शक तो नहीं है कि क्षेत्र में जाएंगे विरोध होगा हाजी साहब? ऐसा कुछ नहीं है, हमने लोगों के लिए काम कर रखे हैं, लोग हमसे प्यार कर। जो वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर, वो इससे नाराज तो नहीं होंगे कि हाँ कि बीजेपी के साथ हो गए और वोट दिए थे समाजवादी पार्टी के नाम? हम आरएलडी के विधायक हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हम आरएलडी के विधायक हैं। हमारी चौधरी चंद सिंह साहब किसान भाईचारा, वो सब नीतियाँ। बात और बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने भी आपको क्या अप्रोच किया था कि हमारी तरफ आ जाइए? अब देखिए, हम कहते हैं कि वो करे भी, किया था कि नहीं ये बताइए। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि आरएलडी का जो व्हिप है वो हम पर लागू होता है। इसमें कौन सा व्हिप है, राज्यसभा में कौन सा व्हिप है? यहाँ तो सिर्फ दिखाना पड़ता है, यहाँ सदस्यता नहीं जाती है, यहाँ सदस्यता नहीं जाती है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं हमारे लिए तो वही आदेश है, वही व्हिप है, वो कह दिया वही व्हिप है। सीने पर पत्थर तो नहीं है, अंदर से अपराध बोध में हो कि क्या कर दिया? ऐसा क्यों करेंगे, हम खुश हैं। आप खुश हैं? पूरी तरह से खुश हैं और जनता की और ज्यादा सेवा कह रहे हैं। कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो, रहे हमारे तमाम 9 विधायकों ने
मान लो ये हमारे मुस्लिम विधायक थे दो, बिल्कुल खुल्लम खुला दिखा के वोट दिया है, बिल्कुल दिखा के बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी को एनडीए गठबंधन को वोट दिया है, जयंत चौधरी जी के निर्देश पर वोट। ठीक है, तो रोमाना ये देखिए, ये आरएलडी के विधायक हैं, हमसे बात कर रहे हैं, और सबसे दिलचस्प ये है कि क्षेत्र में इनको लेके बड़े सारे कयास लगाए जा रहे थे कि वोट किसके मिले और वोट दे किसको रहे हैं, इसीलिए मैंने सारे सवाल किए, लेकिन ये एकदम क्लियर है, सबने वोट दिया है बीजेपी को और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी का निर्देश था इसलिए वोट दिया है। बिल्कुल, इस वक्त सब जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं सिवाय समाजवादी पार्टी के, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंधमारी इस वक्त अगर कहीं होती हुई नजर आ रही है तो वो समाजवादी पार्टी है। 10 विधायक क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी में, और एक विधायक मनोज पांडे जिनका नाम है, उचाहार से जो विधायक हैं, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे, उन्होंने बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दिया है, मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके घर पर इस वक्त बीजेपी के दयाशंकर सिंह मौजूद हैं, जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने मनोज पांडे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात भी करा दी है, मतलब मनोज पांडे के रूप में वीरेश समाजवादी पार्टी को बीजेपी एक और जोर का झटका जोर से देने की तैयारी में। अच्छा, वीरेश से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है और इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे। हम संजय त्रिपाठी का रुख करते हैं। संजय, ये मनोज पांडे को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और इस समय तो दयाशंकर सिंह उनके घर पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मतलब साफ तौर पर अखिलेश यादव को सीधा सीधा झटका बीजेपी की तरफ से दिए जाने की तैयारी मनोज पांडे के रूप में। निश्चित रूप से कल का जो डिनर था जिसमें देखा गया था कि लगभग 8 विधायक जो अखिलेश यादव की पार्टी के थे वो वहाँ नहीं पहुँचे थे, उनमें से एक नाम मनोज पांडे का भी था। और रोमाना, ये अभी की बात नहीं है, मनोज पांडे तब से खिन्न है जब से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, हिंदुओं के मंदिरों को लेकर के अनलगल टिप्पणियाँ करते रहे हैं, और मनोज पांडे ने हमेशा इसका विरोध भी किया है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी खंडन या उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का कोई भी विरोध नहीं किया गया, इसको लेकर के मनोज पांडे बेहद नाराज मालूम देते थे और ऐसी चर्चाएं भी आम थी कि जल्द ही वो पाला बदल सकते हैं, ये खबरें भी लगातार राजनीतिक हलकों में चल रही थी। और आज का जिस तरह का डेवलपमेंट है, आज मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद में जो दयाशंकर सिंह है वो उनके घर पर पहुंचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि खिचड़ी लगभग पक गई है। और खिचड़ी लगभग पक गई है, क्योंकि खबर ये भी है संजय त्रिपाठी की दयाशंकर सिंह ने बाकायदा फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मनोज पांडे की बात करा दी है। और ऐसे में ये जो राज्यसभा चुनाव का रण था उत्तर प्रदेश, जो साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बना हुआ था, इसमें बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही कि सामने लोकसभा का चुनाव है, और ऐसे में ये सेंधमारी पार्टी में जो सामने खुलकर आ गई है। संजय, बिल्कुल 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 रोमाना, कल भी भाजपा के बड़े बड़े नेता जो दावा कर रहे थे, आज उसकी उसको हकीकत में हम देखने को यहाँ पर पा रहे हैं कि लगभग 10 विधायक समाजवादी पार्टी के टूट रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या फिर वोटिंग से भी गैरहाजिर हो सकते हैं। इसके अलावा देखा, राजा भैया के 2 विधायक वो भी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देने जा रहे हैं। हालाँकि अभी जो मनोज पांडे को लेकर के बात कही जा रही है, जब वो यहाँ आएंगे, अगर दयाशंकर सिंह उनको यहाँ पर लाने में सफल होते हैं, तो वो भी मान के चलिए कि निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। पूजा पाल के बारे में भी यही खबर आ रही है कि वो भी एनडीए के साथ जा रही हैं, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो बड़ा एक कहा जाए धड़ा है 10 विधायकों का, वो टूट करके एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देगा, मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो राज्यसभा के रण में समाजवादी पार्टी का ये बिखराव जो देखने के लिए मिल रहा है चुनावी साल में, बिल्कुल सामने दहलीज पर लोकसभा का चुनाव और समाजवादी पार्टी का ये हश्र। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को देते हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने अपने दावे सबके सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार जीतेंगे, उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। तो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि 3 उम्मीदवारों को वो जिता ले जाएंगे, लेकिन तस्वीर इससे उलट अभी तक नजर आ रही है। इस बीच अखिलेश का बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी के 3 जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता,
सीसीटीवी कैमरे ना होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो ज़रूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी के एमएलए मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, उनके क्रॉस वोटिंग करने की खबर थी और इसी बीच में ये बड़ी अपडेट, इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे ने। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते उन्हें कई बार आपने देखा है और अब खबर ये कि उन्होंने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, इस्तीफा देने की खबर मिल रही है। उनके क्रॉस वोटिंग की खबर थी और अब आप समझ सकते हैं कि उनका यह मूव किस बात की ओर इशारा कर रहा है, बल्कि किस बात को कंफर्म कर रहा है। एसपी एमएलए मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और इस बीच में खबर यह आ रही है कि मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। वीरेश पांडे और बताएंगे हमें इस बाबत। वीरेश, देखिए मनोज पांडे कल डिनर से अब्सेंट रहे। मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य को जब पार्टी में लिया गया था तभी से नाराज थे और उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। स्वामी प्रसाद तो नहीं रहे, अब मनोज पांडे भी समाजवादी पार्टी के नहीं रहे। राजपाल कश्यप एमएलसी हैं, प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। भाई इतनी सेंध मारी, एक एक करके टूट के जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए जनता का खजाना समाजवादी पार्टी के पास है, किसी विधायक के पास खजाना नहीं, जनता बनाती है विधायक, एमपी, एमएलए और सरकारें। जनता का खजाना हमारे पास है और जो खजाना बना के भेजा वो खजाना धीरे धीरे लूट गया। नहीं, कोई खजाना नहीं लूटा, एक एक करके टूट गया। अरे कितने लोग आते कितने जाते, ये समाज के करके फूट गया। ये समाजवादी पार्टी है, बड़ी बड़ी सत्ताधारियों का घमंड ठीक करने का काम समाजवादियों ने किया है। हाँ। और समाजवादी ने धारा परिवर्तित करने का काम किया है। हाँ। और जब से माननीय मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई है, हाँ, एक वोट चुनाव में घटा नहीं है, हर बार बढ़ के मिला है। हाँ। और अभी 22 में तो इनको घटाया है, 24 में जनता के सहारे बीजेपी का सफाया है। अरे जब सब एक एक करके टूट जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद, मनोज पांडे, राकेश सिंह और अभय सिंह, ये सारे लोग कहां गए? ये पैदा होते विधायक नहीं बने थे, जनता ने बनाया था और समाजवादी पार्टी ने बनाया था। हाँ। और समाजवादी पार्टी के वोट से बने थे। हाँ। अब हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने सिखाया है माननीय अखिलेश यादव जी को कि धोखा खा लेना कभी धोखा देना नहीं। अब जनता इनको सिखाएगी सब। ये धोखेबाज हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो अब जनता बताएगी ना, समय आने बताएगी जनता। ये तो जनता बताती तो चले गए भाजपा की तरफ। अब कौन जा रहा और किस लालच में जा रहा, क्या क्या है वो जनता देख रही है। अभी चुनाव, ये अच्छा हुआ मौके पे चुनाव भी है, अभी जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी, वो सब आशान्वित हैं कि भाजपा से लड़ लेंगे। ठीक है, और सीधे आपको लेकर चलते हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, निकल रहे हैं। दयाशंकर सिंह क्या कह रहे हैं सुनते हैं। और सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ जीते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ जीते। स्वामी मौर्य फैक्टर कितना बड़ा है, तीन लोग उधर, विधायक लोग एक गाड़ी में गए, इधर मनोज पांडे को आप लेके जा रहे, स्वामी मौर्य के खिलाफ ये लोग बोला करते थे, कितना बड़ा फैक्टर है स्वामी मौर्य? देखिए स्वामी मौर्य की बात नहीं है, बात सनातन की है, बात भारत के संस्कृति और सभ्यता की है, भारत जो है हिंदुत्व की है। अखिलेश यादव से नाराजगी है क्या? देखिए जो आदमी जन्म से सनातनी हो, पूरे जीवन जिसका बीता हो और जिस दल में आज राम को ही नकारा जाता हो, तो इसके आधार पर इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ये बताइए, कहा जाता है दयाशंकर सिंह अभी तो मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे, क्या आने वाले दोनों में बीजेपी भी ज्वाइन करने वाले हैं? अब ये तो उनके उनसे पूछिए, कहते हैं सेंधमारी के एक्सपर्ट हैं आप, हर जगह आप ही को लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी लोग अपने अंतरात्मा के उस पर वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नीतियों पर भरोसा करके वोट दे रहे हैं। अच्छा, थैंक यू मैडम।
वीरेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं वीरेश बताइए जरा मनोज पांडे दयाशंकर सिंह के साथ विधानसभा के लिए निकल रहे हैं या सीधे पहले मुलाकात योगी आदित्यनाथ से होगी, तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए निकल रहे हैं। वीरेश मेरी आवाज मिल रही है? मैं मुझे आपकी आवाज मिल रही है? अभी मनोज पांडे गए हैं विधानमंडल दल मिलने योगी आदित्यनाथ से। 12 बजे वो योगी आदित्यनाथ के घर पर जाएंगे। बड़ी खबर आपको दे दूं, मैं दयाशंकर सिंह की गाड़ी में बैठा हूं। दयाशंकर सिंह खुद उनको मुख्यमंत्री के पास लेकर जाएंगे। परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है दयाशंकर सिंह, और उनके साथ मैं गाड़ी में सवार हो चुका हूँ। और ऐसे में दयाशंकर सिंह खुद इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। दयाशंकर सिंह के बारे में कहा आता है कि वो सेंधमारी में बहुत सिद्धस्त है हर पार्टियों में। आप साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, आगे की सीट पर दयाशंकर सिंह बैठे हुए हैं, पीछे की सीट पर आप बैठे हैं। आप ये बता रहे हैं कि पहले विधानसभा जाएंगे मनोज पांडे और वहां जाकर पहले वोट करेंगे, इसके बाद योगी आदित्यनाथ से मिलवाने के लिए उनके आवास पर दयाशंकर सिंह लेकर जाएंगे। मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, कृपया सुने, बड़ी खबर है, यूपी की सियासत से बड़ी खबर है। मनोज पांडे टूट चुके हैं, मनोज पांडे टूट गए हैं। मनोज पांडे की भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से बात हो चुकी है। मनोज पांडे रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वीरेश पांडे कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज कह रहा है कि लोकसभा 24 में रायबरेली से, हमेशा रायबरेली केंद्र से गवर्न होता रहा है, रायबरेली पर केंद्र की नजर रही है। और ऐसे में दयाशंकर सिंह ऑपरेशन में लगे हुए हैं और एबीपी न्यूज की टीम दयाशंकर सिंह के साथ में है और दयाशंकर सिंह हमारे साथ हैं। दयाशंकर सिंह जी, आप ये बताइए कि ऑपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं, ये लोग अखिलेश यादव की से नाराज होके सारे लोग आ रहे हैं कि आखिर क्या है? आपको लोग दर्शक देख रहे हैं पूरे देश कोई ऑपरेशन नहीं है। माननीय मोदी जी से प्रभावित हो करके, और जब आप देखें, जब चुनाव होते हैं, चाहे 14 का चुनाव देखिए, 17 का, 22 का, जब चुनाव हुए हैं 19 का, तो बहुत सारे दल के लोग भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके ज्वाइन को करते हैं। दर्जनों मंत्री आज केंद्र में, प्रदेश में हैं, जो दूसरे विचारधाराओं से आकर के आज मोदी जी का, आज में समाजवादी धारा को, मोदी जी के विचारधारा को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मोदी जी का विचारधारा, मोदी जी का नेतृत्व आज देश को ताकत दे रहा है, देश को आज। शंकर सिंह जी, एक सवाल दर्शक जानना चाहते हैं कि मनोज पांडे की दिल्ली में बात हो गई है? देखिए, मनोज पांडे जी बहुत ही परिपक्व नेता हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, और मनोज पांडे जी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। वो मेरे पास खबर है, दर्शकों को बता दूं, मेरे पास खबर है, दयाशंकर सिंह को देखिए। दयाशंकर सिंह अभी, मैं कह सकता हूं क्योंकि मेरे मित्र हैं इसलिए कह सकता हूं कि अभी स्नान ध्यान भी नहीं किए हैं। ये रात में 3 बजे तक काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, पार्टी जानती है, अमित शाह जानते हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं, और अभी भी स्नान ध्यान नहीं किए हैं, बिना पूजा पाठ किए कुछ खाते नहीं है, लेकिन रात भर ये ऑपरेशन में लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जेपीएस राठौर और दयाशंकर सिंह को ऑपरेशन में लगाया है। दयाशंकर सिंह एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव है, मैं उनके साथ जा रहा हूं। दयाशंकर सिंह जो है खुद मनोज पांडे को लेकर 12 बजे जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर जाएंगे। 12 बजे मीटिंग योगी आदित्यनाथ के घर पर फिक्स हो गई है, और अभी मनोज पांडे विधानमंडल गए हैं। विधानमंडल में दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ और मनोज पांडे। दयाशंकर सिंह आगे बैठे हुए हैं, जरा उनसे ये पूछिए तो, रायबरेली के लिए बैठे बिठाए मनोज पांडे के रूप में एक शानदार उम्मीदवार मिल गया एनडीए को, है ना? रायबरेली के लिए तो आपको एक बड़ा उम्मीदवार मिल गया कि आप लोगों की आंधी तूफान के बावजूद भी वो जीत गया और तमाम विधायकों को जिता लिया। रायबरेली में उनसे बढ़िया कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, रायबरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि रायबरेली का जहाँ तक सवाल है, रायबरेली की कांग्रेस पार्टी की नेता स्वयं जो है मैदान छोड़ करके राजस्थान चली गई, राज्यसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो और पिछली बार जो है राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके केरल चले गए थे, तो ये लोग खुद उत्तर प्रदेश का मैदान छोड़ करके
आज जो है दूसरे प्रांतों में जो है अपना तो रायबरेली से तो मनोज पांडे बेहतर कैंडिडेट होंगे तमाम तो जीतने। आप ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है भाई, अमेठी रायबरेली तो बड़ी सीट है, लेकिन मैं आपको इतने कह सकता हूँ कि 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। अखिलेश जी और राहुल जी का जो गठबंधन है वो क्या करेगा? ये गठबंधन पहले भी रहा है, ये गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में निष्प्रभावी रहा है। बताइए रात भर आपने जो ऑपरेशन किया है, कितने विधायकों को अपने साथ ले लिए? कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई है, जो भी विधायक आ रहे हैं वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। बताएं वीरेश, एक सवाल जरा ये भी पूछिए कि अमेठी पहले ही राहुल गांधी हार चुके हैं, है ना, रायबरेली एक सीट बची हुई थी गांधी परिवार के पास, तो मतलब इस बार मनोज पांडे रायबरेली में जिनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती है उनके जरिए बीजेपी देश को तो कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने की पूरी तैयारी कर ली है। यूपी कांग्रेस मुक्त, उसी का हिस्सा मनोज पांडे। दयाशंकर जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करती है, तो देश मुक्त तो वो नहीं कर पाई, लेकिन अमेठी में स्मृति ने हराया और रायबरेली में अगर मनोज पांडे जैसा कद्दावर नेता लड़ता है तब तो यूपी मुक्त हो जाएगी कांग्रेस। देखिए जिस कांग्रेस पार्टी को रायबरेली और अमेठी ने उनके 3 पीढ़ियों को नेतृत्व दिया, आज उस अमेठी और रायबरेली को ये लोग जो है छोड़ करके आज जो है दूसरे प्रांतों में अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए भाग रहे हैं। ये मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, ये डबल इंजन की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है ना, इसके कारण आज उत्तर प्रदेश में अभी तो माननीय मोदी जी को लहर को लोगों ने देखा है, इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी और सुनामी में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। किसी को रहने नहीं देंगे क्या आप लोग? देखिए देश को मजबूत करने के लिए जो काम 500 वर्षों में नहीं हुआ, कई पीढ़ियां जिसके लिए अपने जीवन को बलिदान कर दी, उसके जीवन में अवसर नहीं मिला, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये भी अवसर। बताइए जो ये विधायक आ रहे हैं उनको क्या आश्वासन आपने दिया है कि MLC बना देंगे, मंत्री बना देंगे, सांसद बना देंगे, क्या करेंगे? देखिए जो विधायक की बात आप कर रहे हैं विशेष करके मनोज पांडे जी के बारे में या किसी के, वो आप समझ सकते हैं कि वो लहर के विपरीत आकर के जीतने वाले हैं, उन लोग अपने क्षेत्रों में जनाधार है, 5-5 बार से जीत रहे हैं। एक खबर और आपको दे दूं, आपको और खबर दे दूं, अभय सिंह छात्र राजनीति में इनके छोटे भाई के तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको भी इन्होंने तोड़ लिया। अभय सिंह और राकेश सिंह, मैं समीकरण बता रहा हूं, यूपी का समीकरण है, राकेश सिंह इनके मित्र माने जाते हैं, अभय सिंह और राकेश सिंह और ये धनंजय सिंह और अभय सिंह, दयाशंकर सिंह यूपी की राजनीति को जो जानता है वो जानता है कि दयाशंकर सिंह ऑपरेशन इसी तरीके से करते हैं। तो आप एक सवाल पूछिए वीरेश पांडे एक सवाल पूछिए। आप हर समय देखिए जब भी चुनाव हुए जी बताइए, जी बताइए सवाल बताइए उनसे, ये पूछिए आप कि ये राज्यसभा चुनाव के जरिए क्या लोकसभा चुनाव के लिए पहले ही हवा निकालने का काम समाजवादी पार्टी का कर दिया है, ऐसी रणनीति बनाई है दयाशंकर सिंह ने? दयाशंकर सिंह जी ये बताइए, सवाल ये है कि आपने लोकसभा इसे राज्यसभा चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव की हवा निकाल दी विपक्ष की, क्या? देखिए अभी तक के 2-2 चुनाव आप देखें, 14 और 19, मोदी जी 14 में ये जितने वोटों से जीते उससे ज्यादा वोटों से 19 में जीते, इस बार तो सुनामी बहेगी मोदी जी की, और आप देखेंगे मोदी जी ने कहा है 400 के पार, तो आप 400 से कितना पार हो रहा है इसकी कॉल काउंटिंग करिए। विधानसभा पहुंच गए हैं दयाशंकर सिंह, ऑपरेशन दयाशंकर सिंह, ऑपरेशन लोटस के तहत, जी हाँ मनोज पांडे से मुलाकात होने वाली है, मनोज पांडे मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए हैं, विधानमंडल में बैठे हुए मुख्यमंत्री, दयाशंकर सिंह का इंतजार हो रहा है और पोर्टिको में गाड़ी लगी। एक सवाल और पूछिए जब तक नीचे नहीं उतर जाते विपक्षी आरोप लगा रहा है कि डराकर धमकाकर डर दिखाकर केंद्रीय एजेंसियों का, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं इन्हीं आरोपों से तो नहीं घिर जाएंगे दयाशंकर सिंह? मैं भी उतर गया, अब दयाशंकर सिंह मेरे कैमरे में कैद है, आप बताइए भाई साहब ये ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन दया क्या है? कोई ऑपरेशन नहीं, खाली मोदी जी के नीतियों का पर भरोसा करके सभी लोग वोट करने। देखिए माननीय मनोज पांडे जी सनातन धर्म के पक्ष में सदैव बयान करते रहे, अयोध्या के बारे में भी उनका स्पष्ट मत था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग
सनातन धर्म का विरोध करते थे, अयोध्या का विरोध करते थे। आज उनसे आप लोग पूछिए, क्योंकि जब अयोध्या में समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं गए इससे वो बहुत आहत थे, और अब जो है वो समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। सपा भी छोड़ रहे हैं क्या? सपा भी छोड़ रहे हैं? आपने बात करवाई है, सपा पार्टी भी छोड़ रहे हैं मनोज पांडे से? समाजवादी पार्टी के सभी पदों से माननीय मनोज पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने सनातन धर्म का जो लगातार समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, राम जन्मभूमि का विरोध कर रही थी, ये बात उन्होंने कही है। एनडीए के लिए वोट करेंगे? एनडीए के लिए वोट करेंगे? और कौन विधायक है जिनसे बातचीत आपकी हुई जो मनोज जी के साथ है? अरे भाई ये बताइए, देखिए मनोज पांडे के साथ दयाशंकर सिंह और मनोज पांडे, मैंने जो खबर दी थी वो पक्की खबर साबित हुई है। और देखिए दयाशंकर सिंह मनोज पांडे को लेकर, मुख्यमंत्री मनोज पांडे को देख सकते हैं आप, मनोज पांडे हमारे कैमरे पर मौजूद हैं, मनोज पांडे के पीछे पूरी मीडिया है, और दयाशंकर सिंह उनके साथ। देखिए बात तो सही हुई। देखिए समाजवादी पार्टी का जो नीति है, जो आज 500 वर्षों से जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियां बीत गई उसको देखने के लिए, जिसके लिए लाखों लोग बलिदान हो गए, वो राम मंदिर हम लोगों के सामने बन रहा, और उसका भी विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। अरे अब तो अब जाइए, मनोज पांडे इंतजार कर रहे हैं। जो लोग जो है सनातन धर्म को स्वीकार करते हैं, जो भगवान श्री राम में विश्वास करते हैं, जो मोदी जी के नीतियों में विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जो है आज जो है, कितने लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो आपको लग रहा है कि भरोसा कर रहे हैं? जितने आप देख रहे हैं सब आ ही रहे, अब आपको एक एक करके आप देखते जाइए भाई। ये बताइए मनोज पांडे इंतजार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास आपको लेके जाना है, जाइए ना। आप मनोज जी आ गए, आप लोग बात करिए उनसे। मनोज जी देखिए हमारे साथ आगे हैं जयशंकर सिंह, मेरे साथ और जयशंकर सिंह के चेहरे पे मुस्कुराहट, अद्भुत मुस्कुराहट है। ऑपरेशन दया है, ऑपरेशन दया। आज से मेरी कल रात से बात हो रही है, और आप ये कह रहे थे कि आप ऑपरेशन में लगे हुए हैं, सफलता मिल गई? देखिए आज जो है जो भी किसी भी दल के विधायक हैं, जो आज देश में विकास चाहते हैं, प्रदेश में विकास चाहते हैं, जो सनातन धर्म में भरोसा करते हैं, जो राम में भरोसा करते हैं, वो आज जो है अपनी पार्टी के नीतियों से दुखी होकर के आज बातें आप वीरेश पांडे को बता चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय को संख्या बताइए, कितनी संख्या तोड़ दी आपने? आप क्लियर बताते हैं? क्लियर बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा वोट से हमारा आठवां कैंडिडेट संजय सेठ जीतेंगे। घुमाइए नहीं, संख्या बताइए कितनी? 10 वोट हमारे कैंडिडेट को ज्यादा मिलेंगे। 10 तोड़, 10 सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल 10 वोट बड़ी खबर है, और ये लगातार हम ब्रेक कर रहे थे। अभिषेक सबसे बड़ी खबर है, आप सुन रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनोज पांडे दयाशंकर सिंह के साथ साथ ही पहुंच गए हैं विधानसभा, वहां पर वो भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार के लिए ही वोट करेंगे, और अब तकरीबन तय है कि मनोज पांडे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो राज्यसभा का रण है बेहद दिलचस्प बनता जा रहा है। अखिलेश यादव के करीबी रहे मनोज पांडे, उन्होंने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है, बीजेपी के पाले में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, मनोज पांडे पहुंच चुके हैं विधानसभा, जहां पर पहले वोट और फिर जैसा कि आप बता रहे थे दयाशंकर सिंह वही लेकर जाएंगे योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनसे मुलाकात करवाने के लिए, और क्या आज ही औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी को बाय बाय बोलकर बीजेपी में वेलकम कर लिया जाएगा मनोज पांडे का? देखिए मैं अपने विश्वस्त सूत्रों से आपको जानकारी दे दूं, जो मैंने कहा था वही सच साबित हुआ। मनोज पांडे जब इस पोर्टिको से अंदर जा रहे थे उसी समय दयाशंकर सिंह उतरे, और अभी विधानमंडल में मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात है, दयाशंकर की मौजूदगी में मुलाकात है, और 12 बजे 5KD पर मुख्यमंत्री से मनोज पांडे की मुलाकात है। मनोज पांडे के साथ लंच करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 12 बजे करेंगे, समय जान लीजिए, और दयाशंकर सिंह मौजूद रहेंगे। और एक और जानकारी आपको दे दूं, रायबरेली हमेशा दिल्ली से गवर्न होती है, और ये भी इस बार भी रायबरेली दिल्ली से गवर्न हुआ है। मनोज पांडे की भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से बात हो चुकी है। जी हाँ,
बात हो चुकी है रायबरेली संसदीय सीट से। 24 में आज ही खबर दे दूं, रायबरेली संसदीय सीट से मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कोई सोर्सेस पे खबर नहीं चला रहा हूं, कोई सूत्र नहीं, पार्टी से अभी सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मनोज पांडे पार्टी से भी इस्तीफा देंगे, क्रमशः देंगे, क्रमशः विधायकी से भी इस्तीफा देंगे। देखते रहिए मेरी बात कैसे क्रमशः सही साबित होती है। दावे के साथ कोई सूत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से मनोज पांडे की कल रात बात हुई है। कुछ और भी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता, कुछ गोपनीयता बनाए रखने के लिए। ऐसे में सवाल ये कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जिनकी वजह से ये तल्खी मनोज पांडे की बढ़ी, अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ी, कहा तो अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते थे, और अब जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य ही छोड़ गए, अलग हो गए समाजवादी पार्टी से, उसके बावजूद मनोज पांडे का यूं समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ जाना, जो कि अब दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह तस्वीर साफ नजर आ रही है, तो कुल मिलाकर फिर ये तो कहीं ना कहीं लोकसभा टिकट पाने की ही एक हसरत के तौर पर देखा और समझा जाएगा। वीरेश, देखिए मनोज पांडे को की हसरत मत समझिए, मनोज पांडे मोदी योगी की हवा में भी रायबरेली से चुनाव जीते और रायबरेली से कई समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिताया। तो केवल लोकसभा लड़ने की, केवल मनोज पांडे की गरज नहीं है कि भाजपा में जाएं, भाजपा की भी गरज है कि मनोज पांडे रायबरेली में आएं। और कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश अगर आपको करना है, कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश करना है, तो मनोज पांडे से बेहतर कैंडिडेट रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को कोई नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सर्वे कराए हैं, फरवरी 2023 से सर्वे शुरू हुआ, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने 4 सर्वे कराए हैं रायबरेली, अमेठी और पूरे प्रदेश में, चारों में अव्वल। कोई जीत सकता है तो उसमें रायबरेली में मनोज पांडे का नाम है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं तक ये बात गई, शीर्षस्थ नेताओं की जब मैं बात करता हूं तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं और अमित शाह भी आते हैं। बाकी की बात छोड़ दीजिए, आप मनोज पांडे की डील योगी आदित्यनाथ के नंबर पे नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप मैं आपको बता दे रहा हूं, आप बहुत अहम खबरें दे रहे हैं। वीरेश, मैं लौटूंगी आपके पास। राज्यसभा का रण है और सबसे ज्यादा नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी में सेंध लगती हुई नजर आ रही है इस वक्त। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी वीरेश के पास और जानते हैं वीरेश क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है आपको। देखिए मैं अपडेट आपको दे दूं, जो बात चल रही थी मनोज पांडे की, तो मनोज पांडे वाले सिलसिले में आपको ये जानकारी दे दूं कि मनोज पांडे की जो बातचीत है वो यूपी के लेवल पर नहीं हो रही है, योगी जी के लेवल पर नहीं हो रही है, दयाशंकर सिंह के लेवल पर नहीं हो रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये भारतीय जनता रायबरेली की बात हमेशा हाईकमान से होती है, हाईकमान की नज़र होती है, केंद्र की नज़र होती है, पार्टियों के प्रमुखों की नज़र होती है, और इस सिलसिले में भी मनोज पांडे रायबरेली को दरकाना है, मनोज पांडे यानी रायबरेली को हिलाना है, कांग्रेस मुक्त करना है उत्तर प्रदेश को रायबरेली। हमारे साथ मोना जी भी हैं, आराधना मिश्रा मोना, जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उनके जो विधायक हैं दूसरे चौधरी साहब, वो भी मौजूद हैं, इनसे भी सवाल करेंगे कि कांग्रेस मुक्त होने की बात हो रही है तो रायबरेली को करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सर्वे है, और पूरा सर्वे इस लिहाज से है भारतीय जनता पार्टी का, ये बताइए कि मनोज पांडे जब लड़ेंगे रायबरेली में तो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश, अमेठी हार गए, अब रायबरेली क्या बचा। मुझे लगता है कि गलतफहमी जीवन में नहीं पालनी चाहिए नेताओं को, और जिस रायबरेली की बात कर रहे हैं उसने आज़ादी से लेकर के आज तक, उसने भले ही एक बार गलती कर दी हो, उसके बाद रायबरेली ने कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ा। गांधी परिवार उनके अपने परिवार के सदस्य की तरह है। अमेठी भी तो परिवार था, मैंने कहा ना कि आज अमेठी में चले जाइए, परिवार बट भी तो जाता है, तो एक बार रायबरेली में भी बटा परिवार, परिवार में विद्वेष भी तो होता है। मैंने कहा ना आपसे कि रायबरेली में भी बटा था, परिवार में तलखी भी तो होती है। अब मेरा, अब आप अपनी टिप्पणी बंद करिए तो मैं अपना जवाब दूं। रायबरेली ने भी गलती करी थी, दोबारा उस गलती को नहीं दोहराया। अमेठी ने एक बार गलती करी है, अब अमेठी वो गलती नहीं दोहराएगी, अब वो गलती नहीं दोहराएगी। मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि अमेठी ने एक बार गलती करी। सूत्रों से बात नहीं कर रही है। मैं आपके सूत्र नहीं, मैं तो मैं आपको रोकूंगी वीरेश पांडे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये सामने मिल रही है कि बीएसपी के जो विधायक हैं उनको लेकर जो सस्पेंस था वो अब क्लियर हो गया है। बीएसपी के एक ही विधायक हैं और वो एक विधायक जो हैं वो एनडीए को ही वोट करेंगे।
तो बीएसपी को लेकर अभी तक जो सस्पेंस था एक विधायक को लेकर, अब वो भी साफ हो गया है। उमाशंकर सिंह एनडीए को वोट देंगे। बीएसपी 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ एक विधायक ही जीता था और वो विधायक एनडीए को वोट करने जा रहा है।